बहुत सा सुख है इस सेवा में कि सालोक्य साष्टी सामिप्य सायुज्य सारूप्य पांच प्रकार की मुक्तियां भगवान देते हैं, पर भगवान के देने पर भी भक्त नहीं लेता। उसे भगवान नहीं होना है, उसे भगवान सा नहीं होना है, उसे सेवा में सुख है, उसे कैंकर्य में सुख है, उसे तो इन श्री चरणों के दास्य में सुख है। भक्त के लिए दास्य ही उत्सव है, उसके लिए सेवा ही उत्सव है। भूर भय ते सांझ धरे तक सेवा को ही नेम हमारो, स्नान करावे वस्त्र ओढ़ावे भोग लगावे सुलागत प्यार, कब ते निहारत आपकी ओर के आप हमारी ओर निहारो, राधे कृष्ण हमारे धाम को जान वृंदावन धाम पर। आपके श्री चरणों की सेवा मिल जाए और चातुर्य चतुरा माधुर्य मधुरा 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। हमारी श्री किशोरी जी ने जान लिया सूरदास जी क्या चाहते हैं और अपना दक्षिण चरण कमल सूरदास जी के आगे बढ़ा दिया कि ले बाबा नूपुर पहना ले और अपने मन की साध पूरी कर ले। लेकिन सीधे ही श्रृंगार नहीं होता, पहले स्नान होता है। सूरदास जी ने चरणों पर चरण रेणु पर अपना मस्तक धरा और अपने नैनों से बहते प्रेमाश्रुओं से श्री प्रिया जी के उन सुभग सुंदर सुकुवार मंजुल मृदुल मनोहर चरण कमलों का प्रक्षालन कर दिया। निज निज चरणन की रति दीजिए, मोहे महल खवासी दीजिए, प्यारी नित तेरो दर्शन पाऊं, तेरो हुलस हुलस जस गाऊं। नैनों से धो दिए, नैनों के जल से पखार दिए चरण, कंपित गात श्री चरणों में नूपुर धारण कराया। और जब जाने लगे प्रिया प्रीतम तो सूरदास जी ने कहा कि आपने अदेय वस्तु मुझे प्रदान की है, अब जाते जाते एक कृपा और करते जाइए। प्रिया प्रीतम एक दूसरे की ओर देखने लगे कि क्या अभी भी कुछ देना शेष रह गया, दर्शन हो गया, सेवा का सुख मिल गया। सूरदास जी ने कहा एक कृपा और करिए। बोल बाबा, पर आपको वचन देना पड़ेगा कि जो मैं मांगूंगा आप देंगे। क्या तुझे हमारी उदारता पे संशय है बाबा? पर मैं कोई ऐसी वस्तु मांगने जा रहा हूं जो देने में आपको संकोच होगा। वचन देते हैं बाबा, जो तू कहेगा सो देंगे। धोखे हूं रसना नाम कढ़े सखी डार हला हल बिस महावरो, बावरी वे अखियां जर जाए, जो सावरो छाड़ निहारे। यद्यपि प्रसाद को लौटाना अवज्ञा है, ये दृष्टि आपने मुझे प्रसाद स्वरूप प्रदान की है, पर प्यारे किससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद, किस किस को सर झुका तुम्हें देखने के बाद, जिन नैनन ते
घनश्याम लख्यो उनने नन सो अब देखिए का। जिन आंखों ने आपको देख लिया वो आंखें अब कभी संसार ना देखें। बसो मेरे नैनन में दो चंद, बस ये छवि हृदय में अंकित हो जाए। अब इन आंखों से किसी और को नहीं देखना चाहता। तुम सामने खड़े हो मैं सजदा कर कर रहा हूँ। बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी, बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी में। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, नजर मिला तुम्हें देखने के बाद, किस को सर झुका तुम्हें देखने के बाद, किसको सर मिला तुम्हें देखने के बाद। तो बस ये दृष्टि वापस लेते जाइए, किसी और को देखने की इच्छा नहीं है। ये लब्धवा पुमान अमृतो भवती सिद्धो भवती तृप्तो भवती ज्ञात्वा आत्मा रामो भवती। ये भगवत कृपा का लक्षण है। जाही न चाही कबहु कछु बस तुम संग सहज सने, बसहु निरंतरता के उर सो राउर निजगे। और वैसे भी आपको देखने के लिए मुझे इन चरम चक्षुओं की आवश्यकता नहीं है। दिल के आईने में है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। सूरदास जी की निष्प्रहता, सूरदास जी की निरपेक्षता, सूरदास जी की ये अद्भुत प्रीति, ये विलक्षण रीति। प्रिया प्रीतम के नेत्र सजल हो गए। और ऐसे ही भक्त का हृदय भगवान का मंदिर है। जाही न चाही कबहु कछु तुम संग सहज सने, बसहु निरंतर ताके उर सोराउर निजगे। तो बात चली थी कहीं और से, कहीं और आ गई कि जिसे भगवान के देने पर भी भगवान से नहीं चाहिए। रविदास जी की दरिद्रता देखते हैं भगवान, दया आती है कि चलो थोड़ा प्रबंध कर दिया जाए। साधु का भेष धरे आए हैं, चमड़ा छील रहे हैं रविदास जी। संत को द्वार पर आया देखते हैं। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार, करूं आरती चरण पखारूं। करूं आरती
चरण पखारूं, तन मन धन संतन पे वारूं। और साधु वेशधारी ठाकुर जी ने कहा कि एक सेवा चाहता हूं आपसे, ये पारस मणि है मेरे पास, मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं, तो कुछ समय अपने पास रख लीजिए, प्रसन्न मन से प्रयोग करिएगा। रैदास जी ने कहा बाबा वहां सामने छप्पर में खोस के चले जाओ, जहां रख के जाओगे वहीं मिलेगी। एक वर्ष के बाद ठाकुर जी पुनः आए, उसी साधु का भेष धरे, हमारी पारस मणि जहां रख के गए थे वहीं है। चकित कर देता है भक्त भगवान को भी ऐसी निरपेक्षता, ऐसी अद्भुत तृप्ति प्रेम की कृपा से प्राप्त होती है। यह लब्धवा पवान तृप्तो भवती, जाहि लहे कछु लैन की चाह न हिय में होए, जयति जगत पावन करन प्रेम वरन यह दोए। जिसका स्पर्श पाते ही आपको देने में सुख मिलता है, जिसका स्पर्श आपको भीतर से समृद्ध कर देता है, जिसका स्पर्श आपको भीतर से दैवीय गुणों से परिपूर्ण कर देता है, कौन देने में सुख पाता है? सभी को लेने में सुख है। चलिए लेने में सुख हो यहां तक भी ठीक है, आज तो छीनने में सुख है, झपटने में सुख है, किसी का अहित कर स्वयं का हित साधने में सुख है, ये पशुता है, ये मनुष्य का लक्षण नहीं है, ये पशुता है। प्रेम कृपा करता है जब आपको देने में सुख आता है, जब आप देकर प्रसन्न होते हैं, जब आप न्योछावर करके नाचते हैं। करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पे वारूं। मैं तो सदा निवेदन करता हूं कि भक्ति कहने को भक्ति है, होने को वो भगवान की भी भगवत्ता है, बांध लेने वाली है भगवान को। भगवान से प्रेम नहीं मिलता, प्रेम से भगवान मिलते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। प्रेम से भगवान का प्राकट्य है, भगवान से प्रेम का नहीं। और प्रेम धन है प्रेमी का, गिरधर का प्रेम मीरा का धन है, राम का स्नेह ये तुलसी की संपत्ति है, गोपाल का लाड़ ये सूर बाबा का धन है। इसीलिए श्री महाप्रभु जी का वाक्य है, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खाए। मीरा वाइसा कहती है, जे ताई दी से धरण गगन विच, ते ताई सब मिट जासी, भजमन चरण कमल अविनाशी। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। नानक को प्रभु भय कृपाला, सदगुरु पूरा पाया। गोपी गीत गाना, गोपी के स्वर में स्वर मिलाने का प्रयास करना, गोपी के भाव में भाव मिलाने का प्रयास करना। हमारे डोंगरे बापा जब गोपी की बात करते थे तो एक बार गोपी के श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे। किसी ने पूछा, बोले बापा आप तो कहते हैं कि व्यासपीठ से श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जाना चाहिए, आप गोपी के श्रृंगार की बात करते हैं। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले गोपी जैसा श्रृंगार करके देखिए, गोपी के पीछे चल के तो देखिए गोपी कहां लेकर जा रही है। गोपी का श्रृंगार विकार के लिए नहीं है। तो हो सके तो इस भाव में भाव मिलाइएगा, इस स्वर में स्वर मिलाइएगा। ये प्रेम का वो गीत है जिसके लिए ये पंक्ति सटीक बैठती है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार अल्फाज नहीं,
एक खामोशी है, सुनती है कहा करती है, न ये रुकती है ना, न ये रुकती है ना, थमती है ना, ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के से रिश्तों का इल्जाम ना दो, हमने देखी है। ये कोई मंत्र नहीं है जिसे कोई पुरस्चरण से सिद्ध कर ले, ये कोई आगम तंत्र की रचना नहीं है जिसे किसी कर्म कांड से साधा जा सके, ये तो प्रेम का गीत है, ये नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है, हो सके तो इस धारा में गोता लगाने का प्रयास करना। आपके और मेरे स्वर में वो सामर्थ्य नहीं है जो वहां तक पहुंच सके, लेकिन गोपी के स्वर में स्वर मिला देना, हमारी बात वहां तक पहुंच सकती है। भक्त इसीलिए आता है, भक्त सेतु है आपके और उनके बीच में, वो द्वार है जिससे होकर आप वहां तक जा सकते हैं। सर्वप्रथम श्लोक का गान हम आज करेंगे, और मैं तो इसे बाबा विश्वनाथ की कृपा ही कहूंगा कि पिछली बार भी मैंने प्रयास किया था गोपी गीत कहने का, पर 5 दिन में मैं ठीक से मंगलाचरण भी नहीं कर पाया था। ये ऐसा अद्भुत भाव है कि गोपी गीत कहना तो दूर, मैं ठीक से इसका आरंभ भी नहीं कर पाया था, और इस बार भी दशा मुझे वैसे ही दिखाई पड़ती है, पर जैसी बाबा की इच्छा, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूं, प्रयास करूंगा निवेदन करने का। प्रथम श्लोक हम गान करेंगे, और इस भाव के साथ आज भूमिका के इन क्षणों में एक ही भाव से गोपी गीत में प्रवेश करिएगा। इस लीला से इसी सिद्धांत का सूत्रपात हुआ है, यही सिद्धांत प्रतिष्ठित हुआ है कि भगवान खोजने से नहीं, पुकारने से प्राप्त होते हैं। जब तेरे गोकुल पे भीड़ परे भारी, जब तेरे गोकुल पे भीड़ परे भारी, धर लिया गोवर्धन तूने हो गया गोवर्धन हो गया गिरधारी, हो गया गिरधारी, हो गया गिरधारी, तुझको पुकार रहे दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंदलाला राधा जो के सारिया, ब्रज के नंदलाला
दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जयति ते अधिकम जन्मना गज शयत इंदिरा शश्वद दैत देशता देशुतावका स्तवै सव स्वाम्बिचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसि जोदर श्रीमुषादृश श्रीनिकेतनम्
अर्पितम् ते पदाम्बुजम् वेणु कुचेषु नः प्रिन्धिहृच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी सुष्ठ
चुंबितम् कूटील कुंतलम् श्रीमुखं चते जड उदीक्षता पक्ष्मकृत दृशा पति सुतान्मय भ्रातृबान्धवा नति विलङ्घयते अन्तश्चित्तागता प्रतिवेदस्तवो गीतमोहिताः कितव कस्त्यजेनिषे रहसि संविदम् प्रेच्छयोदयम् रहसि तारणम् प्रेम वीक्षणम् दूरश्रियो वीक्ष धाम ते मोह प्रतिस्पृहा मुह्यते मनः व्रज वनोकसा व्यक्तिरङ्गते ब्रिजेन अन्त्रलम् वेश्वमङ्गलम् जज मनाच्छ नस्वत्स्पृहात्मना स्वजन रे ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतः शनः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किं स्वित् कूर्पादिभिः।